आज मिलने का एक बड़ा प्रयोजन ये भी है, ये भी फकीर हम भी फकीर ये और ये मूल धर्म इनका अध्यात्म धर्म ही है, सेवा धर्म ही है। राज धर्म तो भगवान के विधान से निभा रहे। तो आज बस एक आत्मीय भाव से हम आए। जहाँ तक किसानों का मुद्दा है, आप शुरू से मुझे बहुत छेड़ रहे हो। देखो, हम स्वभाव से जन्म से कृषि पुत्र हैं, कर्म से हम ऋषि पुत्र हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर के एक तो भ्रांतियां बहुत फैलाई जा रही है राजनीतिक तौर पर। एमएसपी कहीं खत्म करने का ना कोई जिक्र है और ना कोई सरकार की मंशा मुझे लगी, क्योंकि मैंने तो प्रधानमंत्री जी से भी बात की है, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात की है, आदरणीय अमित शाह जी से भी मेरा संवाद होता रहता है। मुझे तो ऐसा कहीं पर कोई लगा नहीं कि भाई कोई एमएसपी खत्म करने का कोई सरकार का कार्यक्रम है। दूसरी बात, भाई मंडियां भी कोई खत्म नहीं हो रही है, ये अलग बात है कि भाई इसी मंडी में किसान को अपनी फसल बेचनी है, दूसरे जिले में दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। इसके लिए पहले तो बड़ा एक तरह से किसानों के पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी। सरकार ने तो उन हथकड़ियों को, उन बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है, और मंडियों में कुछ दलाल बैठे हैं, उनको तो बेशक इससे कष्ट होगा ही होगा कि भाई ये जो है हमारी टेरिटरी का आदमी बाहर क्यों जा रहा है। भाई ये आज सारी दुनिया एक खुला बाजार है, किसानों को यदि ज्यादा अवसर मिलता है, और एक दूसरी भी बात कहता हूं, कहते हैं भाई इन्होंने खोल दिया। अरे खोल दिया भाई, आपको लगता है कि भाई आपको अपने नजदीक की मंडी में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप बाहर क्यों जाके बेचो, बेचो ना वही। लेकिन वही वहां यदि आपको नहीं मिल रहा और दूसरी जगह भी आपके लिए दरवाजे खोले हैं सरकार ने, तो इसमें विरोध किस बात का। तो और एमएसपी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आने वाले कम से कम 20-25 सालों तक तो कोई भी गवर्नमेंट खत्म कर पाएगी। शायद पता नहीं कुछ एक दो स्टेटों में एमएसपी नहीं था या उसके ऊपर एक्टिव रूप से सरकारें काम नहीं कर रही थी। मुझे जानकारी मिली है कि जहां एमएसपी नहीं था वहां भी एमएसपी लागू हो रहा है। अब तो बिहार, पश्चिम बंगाल, वहां भी एमएसपी पर लेना पड़ेगा। तो जहां एमएसपी नहीं था वहां लागू हो रहा है, हटाने की तो बात ही नहीं। फिर ये बखेड़ा किस बात का। यही सर समझ नहीं आ रहा कि सारा हित में है तीनों कानून, किसानों को समझा नहीं पाए या किसान समझ नहीं पाए या सरकार इस क्रम पे ढीली रहेगी, इनके गुण बताने। देखो इसमें एक चीज तो मैं मानता हूं कि किसान तक अपनी बात पहुंचाना एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि रोज टीवी नहीं देखता, वो रोज अखबार नहीं पढ़ता, और बहुत ज्यादा अपडेट नहीं रहता है डेली के जो कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनके साथ में। तो लोगों ने इन चीजों का फायदा उठाया। इस मामले में सरकार को यदि ये निर्णय लेने से पहले एक जागरूकता अभियान चलाती या एक व्यापक तौर पर बातचीत हो जाती है, तो मुझे लगता है इस तरह की गलतफहमियां नहीं हो पाती। और अभी भी यदि गलतफहमियां हुई हैं तो उसको दूर कर लिया जाएगा, मैं आश्वस्त हूं। हाँ, इसमें कुछ लोग जरूर जो है वो किसानों के हितैषी बनकर के और एक गतिरोध तो खड़ा कर ही दिए हैं। और भाई ये देश इतना बड़ा है, अब इसमें कोई भी आदमी अफवाहें तो फैला ही सकता है। तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अफवाह तंत्र काफ़ी हावी है, और इससे किसानों को भी ऐसा लग रहा है कि सच में भाई जो बहुत लोग यूँ बोलते हैं, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है किसी से आप पूछ करके देखो तो उत्तर कोई नहीं दे रहा है। जो हमारे, मैं तो भाई कहा ना कि किसान बिरादरी का ही आदमी हूँ,
किसान बिरादरी के जो नेता है उनसे आप पूछो कि भाई गड़बड़ क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे गड़बड़ क्या है। बोले भाई ये मोदी जो है किसान विरोधी है। अरे भाई क्यों है वो भी तो बता दो जरा। और ये मैं दूसरी बात कहता हूं, मोदी जी किसानों के खिलाफ नीति आखिर क्यों बनाएंगे, उनका क्या स्वार्थ है? भाई मोदी ना तो किसी एमएनसी का गुलाम है, मोदी जी ना किसी कॉरपोरेट का गुलाम है, और मोदी जी को ना किसानों से कोई बैर है। भाई एक ऐसा आदमी जिसका ना अपना कोई घर है ना परिवार है, वो भी एक तरह से जो है फकीर आदमी है, भाई वो क्यों किसानों के विरोध में नीतियां बनाएगा? भाई एक सोचने समझने की बात है, लेकिन फिर भी भाई ये किसान विरोधी है ये बिल। अरे क्यों है, लॉजिकली उसको कोई बोल नहीं सकता। कल खुद प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में खड़े होकर कहा कि राजनीति जो है गंगा जल की तरह से मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, उस पे क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री का जो संबोधन था? मैंने कहा ना आपको, देखो उनकी मनसा साफ है और इसमें लगता है कि अब जो काम पहले करना चाहिए था सरकार को थोड़ी चूक हुई है। मैं तो बोल रहा हूँ, देखो मैं तो गवर्नमेंट का आदमी हूँ नहीं और ना मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है आप लोग प्यार करते हो, मैं आपका हूँ, मैं थारा और थे मारे हो, इतनी बात ठीक है। लेकिन जो सरकार से एक चूक हुई है, यदि ये कृषि कानून लाने से पहले, कृषि बिल लाने से पहले सभी किसानों के प्रमुख लोगों से मिलजुल करके और ये बातचीत का प्रोसेस पूरा कर लेती तो आज ये बखेड़ा नहीं होता। अब वही प्रोसेस इनको करना पड़ेगा पूरा, कि अपनी पूरी मनसा और सारे कानून के जो छोटे छोटे पहलू हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ज़रूर इसमें एक वक्त लगेगा, एक लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुद्दा शांत हो जाएगा। आप किसानों से क्या अपील करेंगे, जो ये अफवाहें जो चीज़ें हैं आपकी तरफ से क्या अपील है? देखिए मैं तो दो ही बातें कहूँगा। एक बात तो भाई किसी भी तरह से कोई आगजनी, कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई जान माल का की हानि नहीं होनी चाहिए, एक बात तो ये। दूसरी बात कि भाई इसमें उनको यदि कहीं पर भी मन में किसी भी बात को लेकर के जो शंका है वो सारी शंकाएँ रखें, और खुद आदरणीय अमित जी कह चुके हैं, राजनाथ जी खुद इसमें अग्रणी भूमिका में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी खुद डेली इस विषय के ऊपर संपर्क में हैं, तो उनकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। थोड़ा धीरज रखें और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का क्या मतलब है? वहां पर मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? मोदी आतंकवादी है क्या? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सर ये जो किसान मांग कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आ जाए या कानून में कह रहे हैं कि एमएसपी सुनिश्चित बनाई जाएगी, लिख के दे दें, उसका समर्थन करते हैं या किसानों को इस मामले पे कुछ समझाना चाहते हैं? देखो भाई इसमें इसलिए मैंने बोला ना, मैं तो एक नीत भाई मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर है। बाकी सरकार इस संदर्भ में और व्यापकता से बात कर लेगी और दूसरी बात कर लेते घनी होगी बात। कर लेंगे क्या?